दोस्तों आज आपको एक बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच दिखाएंगे। ये मैच हो रहा है, आप देख रहे हैं, चंडेरिया क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि अमेठी जिले में हो रहा है। ग्राम सभा चंडेरिया, संग्रामपुर, अमेठी, उत्तर प्रदेश। थैंक यू सर। जी जी। 25,000 रुपये जीतने वाली टीम को मिले, 15,000 रुपये जो रनर अप होती है, और तीसरे और चौथे पोजीशन पर जो टीमें रहेंगी उनको भी 2100-2100 रुपये मिलेगा। मैन ऑफ द सीरीज जो होगा उसको 5,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। एक ओवर में 19 रन बन चुके हैं। काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद इस बार कवर के एरिया में खेला हमारे रास्ते से, सीमा बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन बोल्ड हो गए, पहली विकेट गिरता हुआ, जगावली टीम को पहला विकेट गिरता हुआ है। शुभम ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात करें तो समय स्कोर है 36 रन, मात्र इसमें 7 रन आए हैं इस ओवर में, और एक महत्वपूर्ण विकेट दी गई। और यहां पे खेल दिया गया सीमा रेखा के बाहर, 4 रन मिलेंगे। चौके के साथ स्कोर छोटा कुत्ता जा पहुंचा है। 30 रन पर क्या गजब की बल्लेबाजी सुरजीत सिंह फिर से उठा दिया है। 37 रन हो गए हैं। तीसरा ओवर शानदार, 6 रन। तीन ओवर में 43 रन बन चुके हैं गगौली टीम के। शानदार बल्लेबाजी सुरजीत के द्वारा, बोल्ड हो गए, बोल्ड हो गए सुरजीत। जोली ने विकेट अपने नाम किया, गेंदबाज रंजीत ने सुरजीत का विकेट गिरा, बहुत बड़ा विकेट प्राप्त करते हैं। घुमा दिया है, शानदार 6 रन। सीमा रेखा की तरफ गेंद जाती है, तो अंपायर का इशारा, 6 रन के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का का खुला की मदद से स्कोर क्या पहुंचा 49 रन। और स्टेज की दिशा में खेला है 4 ओवर में 58 रन। बल्लेबाज रवि को तो पहली बॉल पे सीमा रेखा के बाहर अंपायर का इशारा, 6 रन और फर्स्ट बाउंस का भी आया लेकिन पैर तुफैल भाई के द्वारा, फिर से 6 रन। सीधा कबड्डी के मदद से निकलता हुआ लगभग 10 मीटर का छक्का बल्लेबाज रवि के बल्ले से, तो स्कोर छोटा गुट्टा जा पहुंचा। बॉल फेंको, बॉल 78 रन, 78 रन बन चुके हैं। तो बहुत ही सारा रन चले अगली गेंद लेकर बल्लेबाज रवि के लिए, काफी अच्छी गेंद और वहीं पे स्मिथ ने खेला। तो बात करें बल्लेबाज रवि की तो लगातार तीर छक्के लगाए गेंदबाज करण को, तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 77 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर में 77 रन, 3 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं। धीरे धीरे का दौर से चले छक्का, और यही उठा दिए हैं, और कैच ड्रॉप हो गया, कैच ड्रॉप। संघर्ष जारी है, स्कोर की बात करें तो स्कोर है 84 रन, तो बहुत ही बड़ा चले, काफी अच्छी गेंदारे का बाहर, 4 रन के साथ
जब ऊंचा 91 रन पे एक विकेट का आयोजन आया हुआ है। अभी 91 रन बन चुके हैं आरसीबी के लिए। काफी अच्छा शॉट खेल लिया शानदार 6 रन लगाते हैं तो कैच आउट। एक और विकेट गिरता हुआ की पारी का अंत होता हुआ। तस्वीर की हम बात करें तो 6 रन की समाप्ति पर स्कोर है 98 4 विकेट के नुकसान पे। और एक और विकेट गिरता हुआ। एक और विकेट गिरता हुआ। बेहतरीन कैच रबाड़ा ने फॉलो थ्रू में। पहली गेंद पे 6 रन सचिन ने पहली गेंद उड़ा दिया 6 रनों के लिए। एक सौ 104 रन बन चुके हैं। 7वां ओवर चल रहा है। 5 विकेट के नुकसान पर 104 रन। सामने बल्लेबाज है सचिन। रिवर्स शॉट खेला जा रहा है। घेरा मिलेगा कोई सफल 4 रन मिलेंगे। बॉडी क्रॉस कर रहे हैं पर के सारे का इंतजार है। रिवर्स शॉट और 4 रन। रिवर्स शॉट और 4 रन के लिए पैटर्न चली गया बड़ा। काफी अच्छी गेंद चल रहा है चमदार। हमारे रास्ते से सीधा बॉडी लाइन 6 रन। सात ओवर में 115 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अपने गोली का पहला गेंद कर से आठ ओवर लेकर बल्लेबाजी करेंगे और एक का सामना सचिन लंबे कद के खिलाड़ी है। रन मिलेंगे के बाद 121 रन 8वें ओवर में। और इस बार एक बार चलेंगे बाबी सिंगरा काफी अच्छे नो बॉल का इशारा है। हिट बॉल एक बार चलेंगे फिर से राहुल सचिन के लिए सचिन आगे उसके खिलाड़ी है बॉल लेकिन नहीं पाएंगे उनके पास से दूर रहेंगे जब तक गेंद को फील करेंगे कैच तक नहीं से दूर वाले बाजू ने एक रन चुरा लिया क्रिकेट का कोई फायदा नहीं उठा पाए दोनों बल्लेबाज। एक बार चलेंगे फिर से राहुल राहुल के सामने है अमित अच्छी गेंद हल्का रूप खेला वापस भी जाना मौजूद रहते इस बॉल लेकिन उनके सर को पुष्टि लगी एक रन लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। 125 रन 8वां ओवर प्रोडक्ट पर राहुल एक बार चलेंगे राहुल राहुल के सामने है सचिन यह गलत थी क्योंकि उसको कोटा निकाला जाते थे लेकिन वहां पर थोड़ा सा अनुभव निकला। 131 8 ओवर की समाप्ति के बाद और विकेट गिर चुके हैं 5 एक बार फिर चलेंगे रंजीत अमित के लिए और 6 रन मिलेंगे शानदार 6 रन के लिए उसका भरपूर फायदा उठाए थे अमित फिर से उठा के मारे काफी हवा में है गेंद इसके नीचे है बॉबी सिंघाना देख रहा होगा और हमें विकेट का पता होता होगा बॉबी सिंघाना कैच ले लिए हैं बॉबी सिंह इसको पकड़ा रंजीत ने एक बार चलेंगे फिर से और हल्का सा पट गेंद सोल में उसका भरपूर फायदा उठाएंगे सचिन बन चुके हैं 9वां ओवर चल रहा है। एक बार चलेंगे फिर से रंजीत रिवर्स शॉट खेला जाते थे गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं जाने दिया विकेटकीपर के हाथों में विकेटकीपर थोड़ा सा मिसप्लेस करते हुए एक पीछे रंजीत के सामने है सचिन लंबे कद के खिलाड़ी स्लोअर ड्रिप इस बार ढकेला है उसके लिए खिलाड़ी जा रहे हैं करण देखा जाएगा खबर अच्छी मिली गई जगह करण के द्वारा। 9 ओवर में 145 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर गगौली टीम का। अंतिम ओवर लेके आए हैं गेंदबाज 10वां ओवर
और पहली गेंद डॉट, पहली गेंद पे शानदार डॉट निकालते हुए राहुल। और ये गेंद कीपर से छूटी है लेकिन वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। फिर से मारने की कोशिश लेकिन मिस। और ये अब बल्ले से कनेक्ट हुई है लेकिन संभवतः एक ही रन मिलेंगे। कुछ गेंदें 10 ओवर की बाकी है, 6 रन मिलेंगे। शानदार छक्का, शानदार 6 रन, 153 रन हो गए, 153 रन। और वहां पे खेला है, बल्लेबाज है चौका 160 रनों पर जीत, 160 रन चाहिए अगर कालिकल के तीन गुना मैच जीतना है। 6 रन बनाए हैं, वहीं पे बात करें टिप्पणी की तो 11 बोले खेली, 4 छक्के, 1 चौका लगाया है, कैच आउट हुए थे 20 ओवर में, तो 32 रनों की पावर तोड़ पारी खेली है। वहीं पे बात करें रवि की तो शानदार 5 बोले खेली, 3 छक्के लगाए और 18 रनों की पारी खेली। रवि रवाडा ने उनका विकेट लिया था कैच के रूप में। वहीं पे बात करें तो 4 बोले खेली, 1 छक्का लगाया और रंजीत ने उनका बोलर से वहां पर कर दिया था, 7 रन बना के आउट हुए हैं। वहीं पे सचिन की बात करें 15 बोले खेली है और 4 छक्के, 1 चौका, 1 चौका, 35 रनों की पावर तोड़ पारी खेले है। वहीं पे सुंदरम की बात करें तो 3 बोले, 1 छक्का, 1 चौका, 12 रनों की शानदार पावर तोड़ पारी खेल के बल्लेबाजों ने इतना विकेट लिया। वहीं पे गेंदबाजों की बात करें तो अतीक ने 2 ओवर फेंके हैं और 38 रन दिए हैं, 1 विकेट लिए हैं। वहीं पर करण की बात करें तो 2 ओवर फेंके हैं, 26 रन दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं। वहीं पर रवाडा की बात करें तो 2 ओवर फेंके हैं, 1 विकेट लिए हैं, 33 रन खर्च किए हैं अपने ओवर में। वहीं पर रंजीत की बात करें तो 2 ओवर फेंके हैं, 11 रन दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं, 28 रन दिए हैं। वहीं पर राहुल की बात करें तो 2 ओवर फेंके हैं, 26 रन, 160 रन चाहिए जीत के लिए। और स्ट्राइक पर है लाली, हार्ड हिटर बल्लेबाज। पवन चले सामने बल्लेबाज लाली, काफी अच्छी गेंद, यहाँ यार्कर इनकी गेंद पहली बोल पे यार्कर सामने बल्लेबाज होंगे लाली, धीरे धीरे कदम से चले लाली के लिए, काफी अच्छी गेंद। और यहाँ पे बहुत ही शानदार फील्डिंग, चार रन पर यहाँ पे बात करे छक्का तो जा रहा था लेकिन रंजीत का भाई साथ नहीं दिया। 4 रन मिलेंगे, खराब कही जाएगी लेकिन अपील कर रहे थे एलपी डब्ल्यू का, वहाँ पे रखा नहीं गया भैया पवन, एलपी डब्ल्यू का अपील कर रहे थे। तो 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर की बात करे तो है 8 बिना विकेट के नुकसान के, 1 ओवर में 8 रन विदाउट विकेट। सुंदरम चले पहले गेंद लाली के लिए, लाली ने खेल दिया सीधा मिडल के लिए, मिडफील्डर मौजूद है, बहुत ही शानदार फील्डिंग। सुंदरम विकेट लेते हैं तो देखिए कौन किस पे भारी पड़ता है। फिर से चले राइट आर्म ओवर रंजीत के लिए,
काफी अच्छा से खेल दिया है, चार रन मिलेंगे। दूसरा ओवर चल रहा है, 13 रन बने हुए हैं। फिर से 6 रन, 6 रन, 2 छक्के लगातार। बल्लेबाज रंजीत को बल्ले देते, इसी के लिए जाना जाता है बल्लेबाज रंजीत कल की टीम पे। स्कोर की हम बात करते हैं, 25 रन वहीं पे गमोली का स्कोर था। 2 ओवर में 25 रन बिना विकेट के नुकसान पे कालिकन टीम का बन चुका है। जीत के लिए 160 रन चाहिए 10 ओवरों में। पवन आए हैं तीसरा ओवर लेके। एक और 6 रन, 2 छक्के इस ओवर में लग चुके हैं। काफी अच्छी गेंद, लेकिन तीसरा ओवर बराबर है पवन के द्वारा। पावर प्ले का अंतिम ओवर, 10 ओवर का मुकाबला है। एक बार चलेंगे फिर से पावर पवन के सामने है जी, और 6 रन मिलेंगे। तीन ओवर में 44 रन विदाउट लॉस। एक बार चलेंगे रंजीत, बोल्ड हो गए, बोल्ड हो गए रंजीत। एक विकेट गिरता हुआ जिसका डर था वही हुआ, पहला विकेट गिरता हुआ चंदेरिया से, क्योंकि गोली में जाता है। एक बार चलेंगे फिर से विनय के सामने है रवि, काफी अच्छी गेंद हल्का दूसरे खेला, वहां पर फील्डर मौजूद अमित, अच्छी खेली कही जाएगी। फिर से विनय, रवि के लिए 6 रन मिलेंगे। इक्यावन रन बन चुके हैं, चौथा ओवर चल रहा है। चलेंगे चलेंगे के सामने है रवि, काफी अच्छी गेंद प्रहार किया है, सीमा बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी गेंद। 4 रनों के लिए फिर से फिर से उठा दिया है, 6 रन मिलेंगे। 6 रन, एक और छक्का। पांचों ओवर लेके आए हैं सचिन, और 4 ओवर में 63 रन बन चुके हैं। छह रन, ये क्लीन 6 था, छक्का लगा दिए हैं लाली। 10 ओवर में 36 रन, इसमें 3 छक्के और 2 चौके सामने। 5 ओवर चल रहा है, 71 रन बन चुके हैं। काफी अच्छी रन खेल दिया है पवन के ओवर के लिए, यहाँ पे हल्का सा मिसमैच। 4 रन मिलेंगे, 4 रन तो चौके के पार, स्कोर जाकर 4।
शानदार बल्लेबाजी बल्लेबाज लाल जाना है तो काफी अच्छी गेंद और खेल दिया है विराट कोहली ने नमाज दे रहा है ना देख रहे भी कोई गलतियां करते नहीं है तो अच्छी बिल्डिंग रवि यार अमित की बात करें तो क्या गजब की फील्डिंग करते हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति को 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 76 रन 1 विकेट के नुकसान को। विकेट की बात करें तो विकेट गिरा हुआ है रणजीत का 5 ओवर में 76 रन ऐसे बल्लेबाज लालू धीरे धीरे छठवां ओवर विनय लेके आए हैं और लालू ने केवल दिशा दिखाई है बेसी मारे का देखा हरा हार का इशारा 4 रन चौका आया तो वहां पे बैठे दर्शक है पीछे अगली गेंद लेके फिर से वो आई बॉल यहाँ पे और खेल दिया हसी मारे का देखा हरे कार 6 रन शानदार 6 रन पान मसाला जिनके दाने दाने पे है केसर6 रन लाली के बल्ले से निकलते हुए शानदार छक्का रंजीत आउट होके गए हैं और यहाँ पे अच्छी बॉल घराने में कामयाब जाना है क्योंकि आपने संघर्ष किया कभी आज से भी फाइनल खेल रहे हैं तो यहाँ पे कैच का है और आउट अंत होता हुआ अब अगले बल्लेबाज जा रहे हैं रत्नेश पिलार बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं रत्नेश पिलार हमारे को बता दे कि ये जो बल्लेबाज लाली आउट हुए हैं इनके पास भी एक लाली फ्रेड की दुकान है और यहाँ पे खेल दिया है बिहाइंड के गली को एरिया 4 रन मिलेंगे समाप्ति पर स्कोर है 115 रन वहीं पे हम आपको बता दे भैया कि 7 ओवर में 115 रन 2 विकेट के नुकसान पर 18 बॉलों में मात्र 45 रनों की जरूरत है 18 गेंदों पे 45 रन चाहिए बहुत ही बेहतरीन मैच और रोमांचक मैच 15 रन हो चुके हैं 45 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए तो यहाँ से आके बच्चे ही 18 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है एक बार चलेंगे अमित का क्लच गेंद हर जगह से खेला है गली के एरिया में समोसा यहाँ पर घूमने है बल्लेबाज चल कर नहीं करते हैं दोनों को पकड़ लेंगे
यही उठा दिए हैं आउट। एक और विकेट गिरता हुआ, तीसरा झटका लगता हुआ कालीकन टीम की। तो सलमान भाई आप क्या बोलना चाहेंगे, यहाँ से क्या टीम थोड़ा लड़खड़ा जाएगी या नहीं? ये आपको हम बता देते हैं, अगला बल्लेबाज वसीम जा रहा है, लीडर का खिलाड़ी है, लगातार छह छक्के लगाया था। बस कल रात में अनिल ओझा से नहीं देख रहा था क्या गजब का छक्का लगा रहे थे वसीम, केवल केवल दिशा दिखा रहे थे, गोल के अपने आप ही बिल्डिंग के बाहर जा रहे थे। तो यहाँ पे इसी की जरूरत होगी जैसे वहाँ पे उन्होंने बल्लेबाजी की थी। सलमान अभी के सामने है और सलमान भाई अब इसके सामने बल्लेबाज रवि काफी अच्छी गेंद, इससे अच्छी लगे लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से निकल गया, अंपायर के सारे का इंतजार है। चार रन अंपायर के सर चार रन जो अगर जाता है 47 रन बनाकर खेल रहे हैं, अभी भी स्ट्राइक पर खड़े हैं, ऊपर चले और इस बार फिर से संबदान पर इशारा मार कर रवि जी आगे का रवि भाई तो हाथ पर बल्लेबाज भाई रवि की क्या रवि के बल्ले का भंग जाएंगे तो रवि इंदा हवाई बार करेंगे बार चलेगा फिर से वो हमारे रवि ने हवाई हार की आला के सारे कर दिया है लेकिन सीमा पर 6 रन रवि भाई बल्ला छोटू भाई 129 रन बन चुके हैं, 31 रन चाहिए बात चलेंगे फिर से यार कल की गेंद रन के लिए आगे खड़ा हो सकता है यहाँ पर लेकिन नहीं एक रन लेने में कामयाब हो गए यहाँ पर 30 रन अंपायर बताएंगे मैच सिखाया भाई 130 रन से 13 गेंदों पे 30 रन चाहिए चार रन वसीम ने पहली गेंद पे चौका मार दिया है। 12 गेंदे 26 रनों की जरूरत है यहाँ पर कालीगंज की टीम को अगर इस टूर्नामेंट में फाइनल में प्रवेश कर रहा है तो गंगोली का गेंदबाजी करके होंगे। 26 रन चाहिए 12 गेंदों पे फाइनल में प्रवेश कर रहा है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, 2 ओवर में 26 रनों की जरूरत। पहली गेंद डॉट, अभी 11 गेंदों पे 26 रन और 10 गेंदों पे 26 रन रोमांच हो रहा है इस मैच तो से चले सचिन के लिए रवि सॉरी स्कोर 9 गेंदों पे 20 रन चाहिए 9 गेंदों पे 20 रन चाहिए शानदार छक्का लगा चुके हैं अपनी टीम को अकेले मैच जिताने का। तो फिर से चले सचिन रवि के लिए जैसे कि मैं कह रहा था कि रंजीत के पास एक ताकत है अपनी टीम को 18 रन चाहिए अब 8 गेंदों पे 8 गेंदों पे 18 रन चाहिए और रवि का गला हल्का सा लगा और सुनारे सा लगा 4 रन 7 गेंदों पे 14 रन चाहिए सात गेंदों पे 14 रनों की जरूरत है। कुछ नहीं हुआ है
छह गेंदों पे 12 रन, अंतिम ओवर में 12 रन चाहिए। छह गेंदों पे 12 रन और चार गेंदों पे 10 रनों की जरूरत। और गजब की गेंदबाजी कर रहा है गेंदबाज का, और यहाँ से थोड़ी पकड़ बनती है तो क्या गजब का रोमांच भरा। तीन गेंदों पे 9 रन चाहिए। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो बल्लेबाज रवि है उनके अंदर डंकन हासिल से गेंदबाजी की बात कर रहे हैं। गेंदबाज अमित हमले गेंद को रोक सकता है छक्के लगाने में, जो कि अभी जारी कर देने वाले थे पिछले बोल। फिर से चले गेंदबाज अमित रवि के लिए, गजब की फील्डिंग लेकिन 4 रन। क्या गजब की फील्डिंग थी वहां पे सचिन ने चौका अंपायर भी यहां से दिख रहा है, चौका अंपायर है भाई। 6 रन को 4 रन में कन्वर्ट किया है सचिन ने। दो गेंदों पे 5 रन चाहिए। दो गेंद पे 5 रन, 5 रनों की जरूरत। और मैच 4 रन, मैच टाई हो गया है। अंतिम गेंद पे मात्र 1 रनों की जरूरत। जी हाँ, गाय की जलसे के सारे कार्यक्रम में मुकाबला जीत लिया है।